आज हमने बनाए हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी अप्पे, जो कि देखने में तो सुंदर है ही, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं और साथ ही में हेल्दी भी रहेंगे। नाश्ते में कुछ अच्छा और हेल्दी बनाना है या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में देना है, तो फटाफट से इन अप्पों को आप बना दीजिए। बनने में बहुत ही ज्यादा आसान है और खाने में उतने ही ज्यादा टेस्टी। तो आइए देख लेते हैं हमने इन्हें कैसे बनाया है। सबसे पहले हमें लेनी है सूजी। घर पर जो भी सूजी रखी है, मोटी बारीक कोई सी भी आप ले सकते हैं। घर पर दही रखी है तो 3 से 4 बड़ी चम्मच वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर दही को पतला करके रखा हुआ था तो वही मैंने यहाँ पर ले ली है। अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जरूरत लगेगी तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी या दही और ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पर इस बैटर को ना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज्यादा पतला, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा ही पानी मिलाएंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी जरा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपीज। तो अब हम इसे रख देंगे एक तरफ सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम हरी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिए है यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश पुदीने की पत्तियां। इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे एक टुकड़ा अदरक का, 3 हरी मिर्च और साथ ही इसमें जाएगा कच्चा नारियल। आप एक बार इस तरीके से चटनी को बनाकर देखिए, वो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। 1 चम्मच जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 टमाटर को भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जो कि है दही। दही को चटनी में मिक्स करने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर टोटल 3 चम्मच दही इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें जाएंगी हरे हरे धनिए की पत्तियां। बस अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ये देखिए रिजल्ट। ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। आप नाश्ते को छोड़कर सबसे पहले चटनी के ही चटकारे लेने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हम इस नाश्ते को टेस्टी और हेल्दी भी बनाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर प्याज को बारीक करके काट लिया है। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च को भी बारीक करके काट लिया है। और नाश्ते को और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हमने चुकंदर लिए हैं, बीट रूट, उसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। अब देख लेते हैं सूजी को। ये देखिए सूजी बिल्कुल टाइट हो गई है, इसने सारा पानी अपने में अब्सोर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जो हमने वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई है ना, वो सब इसमें ऐड कर देंगे। घर पर जो भी वेजिटेबल रखी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट, बीन्स। नाश्ता हेल्दी भी बनेगा और बच्चे इस तरीके से सब्जियां खाना भी सीख लेंगे। तो आप देख ही पा रहे होंगे हमने इस बैटर की थिकनेस कितनी रखी है। ये ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इनो को भी ऐड कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बीट रूट तो इसमें डाली ही नहीं, तो इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया है अप्पा पैन और बैटर को इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर ही अभी हमें यहाँ पर इसमें डालना है। तो अब जो हमने बीट रूट को कद्दूकस करके रखा है ना, वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा बीच में डाल देंगे इस तरीके से। हमने यहाँ पर बीट रूट का यूज इसकी फीलिंग की तरह किया है। इस तरीके से बीट रूट को फैला देंगे और फिर ऊपर से बैटर डालकर इसे अच्छे से कवर कर देंगे। बस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को अप्पे पैन में डाल देंगे। और हाँ, एक बहुत ही खास टिप है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। लीजिए, हमने सारा नाश्ता अप्पे पैन में लगा दिया है। हमें एक अप्पे पैन को खाली छोड़ देना है, इसमें हमें बैटर नहीं फिल करना है। इसमें हम फिल करेंगे पानी। जी हाँ, पानी डालने से क्या होगा ना,
जब हम इन अप्पे को बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएंगे। अंदर जो हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की है ना, वो सब अच्छे से पक जाएंगी। अब मीडियम फ्लेम पर इनको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी 3 से 4 मिनट हुई हैं, मैं आपको इन्हें दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। ऊपर तक बिल्कुल बॉल की तरह ये बने हैं। अब हम इसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें बनाते टाइम बिल्कुल भी घी का यूज नहीं किया था। 1 से 2 मिनट के लिए इसे और पकने देंगे। चलिए टोटल 7 मिनट हो गई हैं, अप्पों को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, इसने बिल्कुल साइड को छोड़ दिया है। और ये देखिए, बिल्कुल आसानी से ये पलटी हो जा रहे हैं। अब इन्हें बारी बारी से अच्छे से पलटी लगा देंगे। ये देखिए, इसमें कितना अच्छा कलर आया है। ये नाश्ता जितना अच्छा देखने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी बनता है। और जिसे बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाता है। अब 2 मिनट के लिए इसे दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। खुला ही छोड़ दीजिए, खुला रखने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप देख ही पा रहे होंगे, ये बिल्कुल गोल गोल मटोल बने हैं। दोनों तरफ से अल्टा पलटी करते हुए क्रिस्पी होने तक इन्हें सेक लेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, मैं आपको अभी पास से भी दिखाती हूँ। बने हैं ना बिल्कुल गोल मटोल, बिल्कुल फूले फूले अप्पे। केवल 5 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगता है। अगर आपने एक बार ये नाश्ता बना लिया ना, तो बड़े हों या फिर बच्चे, सभी आपसे रोज इसकी डिमांड करने वाले हैं। तो एंजॉय कीजिए इस टेस्टी नाश्ते को सॉस या फिर चटनी के साथ। ये देखिए, जो हमने इसमें बीट रूट की फिलिंग की थी ना, उससे तो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से बेहद सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।